नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। बड़ी खबर आपके सामने, बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो इस समय सामने आती है। अधिकारी कौन कसूरवार है? पुलिस प्रशासन की गलती है, केडीबी की गलती है, आखिरकार गलत कौन है? देखिए सामने जो है मछलियां आपको मरी हुई दिखाई देंगी, ये सीन है। जी हाँ, आपको बता दूं ब्रह्म सरोवर का खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिएगा। हालात जो है ये देखिए, अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं जो यहाँ पर सैर करने ब्रह्म सरोवर पर आए थे। उन्होंने देखा कि आखिरकार ये जाल जो है किस तरह लगाया गया, लेकिन आखिरकार कौन कसूरवार था? पुलिस विभाग जिसकी निगरानी के अंदर ये पूरा सरोवर है, या वो कसूरवार है जो केडीबी के मालिक हैं? आखिरकार क्यों ये जनता यहां पर पहुंची और पूछती है सवाल? जिस मछलियों को यहां पर दाना डालने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उन्हीं का बेरहमी से शिकार करते आपको दिखाई देंगे ये तस्कर। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। कितना बड़ा जाल आप देख पा रहे हैं, अधिकारी यहां लगे, उनसे बात करवाएंगे। देखिए अंत तक जो है ये देखिए सामने आपको दिखाई देगा कितनी शातिरता से इस जाल को डाला गया, कितनी शातिरता से सफाई की गई, क्यों आखिरकार ये अनगहली की गई, किस तरह से लापरवाही की गई। आखिरकार पुलिस राउंड करती है सवाल या निशान? पुलिस जब राउंड करती है तो क्या देखती है? खाली बिजली की एक्टिवा जो है इनके पास वो घुमाई जाती है चारों तरफ, या बिजली की चार पहिया गाड़ी चारों तरफ घुमाई जाती है? आखिरकार क्यों? ये देखिए ये वही मछलियां हैं जिनको आप दाना डालने आते हैं, अपने घर से आटा गूंथ करके लाते हैं, मर चुकी है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर लापरवाही बहुत बड़ी देखी गई। किस तरह से कोई अंदर आया, बीच सरोवर के अंदर उसको जाल डाल दिया गया। देखिए इस तरफ देखिएगा, शेयर करिएगा खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। कितनी बेरहमी के साथ ये मरी है, कितनी बेदर्दी के साथ ये मरी है। जी पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की जिम्मेवारी है यहाँ पर, एक सवाल या निशान मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के चौकी इंचार्ज से, यहाँ के माननीय SHO से और DSP और SP से। आखिरकार क्यों इस पवित्र सरोवर की पवित्रता को ढंग ठंग कर दिया गया? क्यों? आप देखिए अधिकारियों से बात करवाएंगे किस तरह से। देखिए ये मछलियां हैं जिनको के मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन जो जिंदा हैं उनको जो है दोबारा अधिकारी लगे हुए हैं छोड़ने के लिए। इस तरफ आप देखें, कैमरामैन से कहूंगा लेकर के आपको आएगा, ये हालात देखें आप। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। ये जो है मर चुके हैं कछुए, ये कछुए मर चुके हैं, ये मछलियां जो है वो जो यहां पर मर चुकी है, लेकिन शर्मनाक बात है कहीं ना कहीं साफ तौर पर लापरवाही। तस्कर बेशक है, लेकिन उन तस्करों ने जो है, मांसखोर तस्करों ने किस तरह से ये हिम्मत की, किस तरह से इस चीज को जो है आप देखिए, ये जाल आप देख पा रहे हैं। खबर को शेयर करिएगा, वो देखिए दूर तक जाल फैला हुआ आपको दिखाई देगा। आखिरकार कैसे इतना बड़ा जाल फैला गया, किसकी गलती है? ये वही पवित्र ब्रह्म सरोवर है जिस ब्रह्म सरोवर पर जो है आप मछलियों को दाना डालने आते हैं, आटा डालिए, जनता यहां पर पहुंची हुई है, कुछ जो है भगवा टी शर्ट पहने हैं, कुछ गले में परना डाले हैं। भाई साहब क्या बताएंगे, क्या अच्छा सही काम हुआ है? बहुत गलत काम है जी, बहुत गलत काम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मछलियाँ पाली जाती हैं, पाली जाती और है। उनको तस्कर लोग ऐसा काम करते हैं, दिन भर घूम घूम के खिलाए उसको। भाई साहब देखिए कितना बड़ा भ्रम सरोवर है, आखिरकार अधिकारी कहाँ थे? वो राउंड करने वाली पुलिस का ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की कमी है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ मरी हुई है इसमें, और आखिरकार कब से ये जाल जो है वो डाला गया है? देखिए जनता, आप कहाँ से भाई साहब? मतलब क्या छवि है जो सेनानी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। जी लोकल कुरुक्षेत्र की जनता, थानेसर की जनता यहाँ पर पहुंचती है आटा डालने के लिए, आटा डालते हैं और आटा डालने के बाद यहाँ पर माथा टेका जाता है, नतमस्तक हुआ जाता है, मंदिर जाया जाता है, लेकिन आज उन सब की आस्था को तार तार कर दिया गया। आखिरकार लापरवाह कौन है? बड़ा जो है स्कैंडल यहाँ पर है तस्करों का, जो है मांस तस्कर जिसे कहेंगे। जी यहाँ स्वीपर जो भी है, कर्मचारी जो भी है, सारों का मिली भगत है। इतना बड़ा जाल बगैर मिले हुए नहीं डाल सकता कोई। देखिए तड़प, मैं माफी चाहूंगा दोबारा आऊंगा, देखिए तड़पते हुए जो है कुछ प्रोटोकॉल है जिसमें आपको मैं क्लैरिटी में नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर इस समय की बात करूं तो तड़पती हुई ये मछलियां जो है जाल में से निकल रही है। बिल्कुल सर, कैसे देखते हैं बड़ा इतना बड़ा, मतलब क्या सिक्योरिटी क्या है? गलत है बताइए, हम लोग इतना दूर से इसको देखने आते हैं, और ये मिली भगत की जो भी है मिली भगत का काम है। नहीं तो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम एक बार बात कर लेंगे। सर किस तरह से इसको जो है, कौन आखिरकार जो है यहाँ पर चौकी इंचार्ज है? भाई साहब नमस्कार। भाई साहब बहुत बड़ा, देखिए ये शर्मनाक बात है कि तस्करों ने, मतलब आपने तो नहीं लगवाया ना, ये मतलब गैर कानूनी है ना? नहीं, गैर कानूनी है कि कानूनी है? गैर कानूनी तो है ही, मतलब KDB भी नहीं लगाया।
नहीं केडीबी का भी लगा। तो जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है टीम घूमती है वो क्या देख रही है? हम देख रहे हैं कि हमने हमारी नजरों में नहीं आम तो अभी आपके सामने जिसमें माननीय विनोद कुमार जी अब तो आप देख रहे हैं, अभी तक क्या देखते रहे कि जाल इतना लंबा जाल बीच में कैसे लग गया? जयचंद्र के पतन लगे किस टाइम लगा गया? हम तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता यहाँ पर? नहीं पुलिस है और सिक्योरिटी गार्ड, वैसे सिक्योरिटी गार्ड तो कोई है, पुलिस गार्ड गश्त कर दिया। ये पुलिस की गश्त में ऐसा हुआ? नहीं पुलिस के गश्त में हमारी नजरों में नहीं आया उस टाइम को, अगर आगे पीछे किस टाइम हुआ ये एक बाल्टी पानी यहाँ से गायब नहीं हुआ जो कोई श्रद्धालु आया और बाल्टी भर के ले गया, बीच में जाल डाला गया। बड़े भाई इसको आप संज्ञान लें। मान हम संज्ञान में आई है बात तो इसको हम चौकी इंचार्ज आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। तो आपके होते विनोद कुमार जी ऐसा हो गया? नहीं हो गया, हम देख रहे हैं इसको, देखेंगे इसके पूरे। जनता कहीं कहीं कह रही है कि मिलीभगत स्वीपर है उनकी भी मिलीभगत है इस तरह का, नहीं तो इतना बड़ा काम कैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई रात के अंधेरे में जैसे कि अंदर तालाब में जाके तैरते हुए जाए, रात को सिक्योरिटी बंद हो जाती है? नहीं नहीं रात को अंधेरे में कर गया, दिन में कर गया, तो देखेंगे अब कैसे क्या बात हुई। संज्ञान में अभी आया पता चला। मतलब अभी तक जो है हमारे विनोद कुमार जी यहाँ के चौकी चार्ज हैं वो बता रहे हैं कि हमारे संज्ञान में अभी आया है, ये हमें पता ही नहीं चला। आप बताइए इस तरह कैसे पता नहीं चला? जनता मुझे एक बात बताए माननीय एसपी साहब, एक चीज को संज्ञान में लें, ये वो पवित्र सरोवर है और कल ही जो है हमारे माननीय एसपी जो है यहाँ पर अपनी जो उनकी सीट है वहां पर वो आए हैं, अपना पद उन्होंने संभाला है। माननीय एसपी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देखिए क्या इनका कसूर है बेजुबान मछलियों का? देखिए जिंदा मछलियों को दोबारा वहां पर जो है छोड़ा जा रहा है और आप देखिए किस तरह से ये लापरवाही जो है, और पुलिस प्रशासन साफ कह रहा है कि संज्ञान में अभी आया। आखिरकार संज्ञान में अभी क्यों आया, कैसे संज्ञान में अभी आया, क्यों पहले देखा नहीं? आप जाल देख रहे हैं, पिछले 15 मिनट से मेरा लाइव चल रहा है। डालिए डालिए बड़े भैया पानी में, डालिए बड़े भाई साहब, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप लोग। आपकी ड्यूटी है, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देखिए नहीं क्या भाई साहब, क्या डेजिग्नेशन है आप लोगों का? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी है तो भाई आपने भी नहीं देखा, आप लोग ड्यूटी देते हैं यहाँ पर? वो तो यहाँ मच्छी मरी पड़ी ना, तो ध्यान रहा मच्छी मर रही है, बाहर आएगी हवा चलेगी तो साइड में निकाल देंगे, जब देखे ज्यादा मच्छी मरी तो गौर की गई तो पता लगा। ये कहीं देखता है जो दिखता है, जो सिक्योरिटी है यहाँ पर पूरे ब्रह्म सरोवर, जो पवित्र ब्रह्म सरोवर को जिसके ऊपर छोड़ा गया वो है पुलिस प्रशासन, वो है केडीबी, आखिर लगता है कहीं की वहाँ उनकी ढील है? आप तो शायद बोलेंगे नहीं, आप तो है ना मुलाजिम नहीं, वो तो सर कोई बात सीधी बात है, लेकिन एक चीज आप देखें क्यों आखिरकार इस तरह की लापरवाही की गई। ये वही है जहां पर आप आधा आधा किलो 250 ग्राम 200 ग्राम आटा गूंद करके लाते हैं। सुबह मेरी बहनें घर से निकलती हैं 4 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे तक, सारा सारा दिन यहां पर तांता लगा रहता है। जो आपको बता दूं आटे की गोलियां डाली जाती हैं वो यहां पर बना करके लाते हैं, अपनी श्रद्धा जो है अपने श्रद्धा सुमन जो है वो भेंट करते हैं। और जो है इस समय बहुत ही आस्था की अगर मैं बात करूं तो एक शर्मनाक वाक्य सामने आया, सामने आपको दिखा नहीं सकता, प्रोटोकॉल है, सामने आप देख पा रहे हैं मरी हुई मछलियां, मरे हुए कछुए जो है वो यहां पर, दुर्गंध यहां पर है, क्यों आखिरकार कब से ये मरी हुई थी? लेकिन जो अधिकारी हैं, बेशक ये सफाई कर्मचारी हैं, इनकी गलती है या नहीं है, लेकिन अभी जो इन्होंने काम किया बहुत पुण्य का काम किया, एक जिम्मेवारी का काम किया। देखिए जो मर चुकी है उनको अलग किया जा रहा है, लेकिन दुर्गंध जो है बहुत बुरी यहां से आ रही है। लेकिन अब बता दूं इस समय की अगर बात करूं तो सवालिया निशान जो है वो यहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर उठते हैं, केडीबी के सीईओ हैं उन पर उठता है, मानव सचिव हैं उन पर उठता है, आखिरकार क्यों इस तरह की लापरवाही हुई और जो है मछलियों को जो है पकड़ने के लिए यहाँ पर जाल डाल दिया गया, आखिरकार ये जाल किसने डाला, क्यों यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास चेक नहीं हुए या किस तरह से अगला आकर गया? आप देखिए मैं इसकी देखिए मैं कोई मास्टर नहीं हूँ जो आपको मैं मेजरमेंट बता दूंगा कि कितने किलोमीटर है या माफ कीजिए कितने मीटर है या कितने फुट है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से अगर आपको नाव में भी जाना पड़े तो समय लगता है, वो किस तरह से पैदल तैर कर गया होगा, माफ कीजिएगा तैर कर गया होगा, किस तरह से उसने ये कर्म किया, ये बहुत ही घिनौनी हरकत, शर्मनाक हरकत ये जिस भी तस्कर ने की है, एक शर्मनाक बात। और आपको बता दूं चौकी इंचार्ज यहां पर है, मीडिया का जमावड़ा यहां पर आपको दिखाई देगा, मर चुकी हैं वो मछलियां। अफसोस अफसोस और सिर्फ अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी माननीय डीएसपी और एसपी साहब से ये अपील रहेगी कृपया करके इसको संज्ञान में लें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हैं। यहां पर देखिए लोग जो खड़े हैं उनसे भी एक बार दोबारा कर लूं भाई साहब, क्या देखते हैं जैसे ये हुआ है जो दोषी है उन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर के रहते हैं। तो भैया कैसा लगता है देखिए कितना पवित्र काम है, पवित्र काम पर बहुत गलत काम है।
खुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हम लोग रहने वाले हैं, ये बहुत गलत काम हुआ है। ये बहुत ही बुरी छवि जो है वो इस समय सामने गई है। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, जो अधिकारी हैं उनके भी हम लोग जो है एक बार आपसे रूबरू करवा दें, जिन्होंने ये जाल को खींचा। किश्तियां यहां पर तैरा करती हैं, जो चेक करने वाली किश्तियां हैं वो यहां पर तैरती हैं, राउंड करती हैं सरोवर के बाहर जो है, तालाब के बाहर जो है वो पुलिस प्रशासन राउंड करती है, चार पहिया जीप जो है वो यहां पर राउंड करती है। लेकिन अफसोसजनक बात के यहां पर एंड टाइम पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए उन ये कार्य करने वालों को कि क्यों इस तरह से कार्य किए गए जो यहां पर। भाई साहब अब क्या किया जाएगा, जैसे अब और भी चेक किया जाएगा उसको प्रॉपर? हाँ जी और चेक करेंगे। तो ये कब आपको संज्ञान में आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है? ये मच्छी उधर मरी मिली, ठीक है, उधर तो हमने आईडिया लगाया, अब आवेगी आवेगी तानी ये बाहर आ जाएगी, मान इस चीज का आईडिया नहीं था। हाँ तो आपने मतलब आपने भी यहाँ पर राउंड नहीं किया कभी? इतना बड़ा जाल डल गया क्यों आखिरकार इस तरह? रेडी बता सर। अच्छा नहीं जो देखो एक घंटे में तो जाल डलने गया और जो मछलियाँ मरी हैं वो भी एक घंटे में नहीं मरी? हाँ। नीचे पता नहीं लग रहा था कुछ इसका जाले का, ये तो ऐसे मच्छी दिख रही थी भाई, मच्छी मरी हुई है, जाल का नहीं पता लग रहा था, जब एक दो किच्छी है जब पता लगा। चलो धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंचार्ज साहब क्या कार्रवाई की जाएगी इसके आगे? नहीं कैसे बना, सीसीटीवी कैमरा से पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? जो कुछ होगा अगर देखो सीसीटीवी कैमरा भी होगा इधर उनको भी खंगालेंगे, और वैसे भी अपनी तरफ से पूरे सोर्स लगा के इसको तह तक जाने की कोशिश। आपने अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया? बिल्कुल ला रखे। तो विनोद जी जो है यहाँ के चौकी इंचार्ज मेरे साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस समय के जो है पुलिस प्रशासन की टीमें जो है अलर्ट हो गई, बड़े अधिकारियों को बता दिया गया, लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये छवि को खराब करता है। केडीबी अधिकारी जो है उनसे अपील और पुलिस प्रशासन से अपील, ये पवित्र वही सरोवर है जहां पर नतमस्तक होने दूर दूर से दुनिया आती है, जब यहां पर सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत ही ज्यादा यहां पर जो है भीड़ होती है, श्रद्धालु यहां नतमस्तक होते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन आज जो छवि सामने आई ये बहुत बड़ा, एक बता दूं आपको, गलती कहेंगे, कसूर कहेंगे या लापरवाही कहेंगे इन अधिकारियों की, और गलत जो है गलत काम किया वो किया यहां के जो मांस तस्कर हैं उन्होंने। अरविंदर सिंह के साथ जुड़ रहिएगा, देखिए कुरुक्षेत्र खबर को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही गलत ये जो हुआ है जो भी हुआ है। आपकी क्या राय है, आपका क्या डिसीजन है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन गलती जो अधिकारी थे उन पर किसी तरह का एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या जिन्होंने कसूर किया वो तो गुनहगार है ही है उन पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए, बताइएगा जरूर, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अरविंदर सिंह के साथ देखने को क्षेत्र खबर, धन्यवाद।